प्रकृति से रहा है सदा जुड़ा भारत देश हमारा। नदियों, वृक्षों, पर्वतों की पूजा से लेकर दिया माँ का दर्जा भूमि को, लिया संकल्प सुरक्षित पर्यावरण का। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने दिया एक नया मिशन, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र हैं जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने बायोफ्यूल के विषय को प्राथमिकताओं से जोड़ा और तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियों के जरिए वेस्ट टू वेल्थ के विजन के साथ लागू की सतत योजना, जिसमें कचरे जैसे गोबर, कृषि अवशेष इत्यादि से बनेगी कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG। सतत योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक 5000 CBG प्लांट लगाने का लक्ष्य है। बायोफ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण पर खासा जोर दिया गया है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत देश में बिक रहे कुल पेट्रोल में एथेनॉल की मिश्रित मात्रा 2013-14 में 1.53% से बढ़कर वर्तमान में 8% हो गई है। इस प्रोग्राम के तहत तेल कंपनियों ने पिछले 7 वर्षों में लगभग 42,000 करोड़ रुपए का भुगतान चीनी मिलों को किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा गन्ना किसानों को उनकी फसल की कीमत के रूप में प्राप्त हुआ। इसी प्रोग्राम के चलते 7,500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ बनाई गई है 185 करोड़ लीटर वार्षिक उत्पादन के लिए अनाज आधारित मेगा एथेनॉल रिफाइनरियों की योजना। तेल क्षेत्र की कंपनियां सालाना 18 करोड़ लीटर 2G एथेनॉल उत्पादित करने के लक्ष्य से 5 कृषि फसल अवशेष आधारित 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरियों की स्थापना के लिए करेंगी 8,000 करोड़ रुपए का निवेश। यूज्ड कुकिंग ऑयल से बायोडीजल बनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तेल कंपनियों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। बायोफ्यूल के उपयोग से मिलेगा छुटकारा कृषि अवशेष से तथा बढ़ेगी किसानों की आय। रोजगार और स्वास्थ्य के साथ स्वच्छ वातावरण के लिए बायोफ्यूल द्वारा है ये प्रयास।